वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल FSC क्लासेस पे। दोस्तों, आज आपके लिए एक बूस्टर लेके आऊंगा जिसकी चर्चा मैंने पॉलिटी क्लास में आप लोगों से की थी। उस बूस्टर में हम पिट एग्जाम प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया जा रहा है, उस एग्जाम के प्रत्येक सिलेबस को तेजी से पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे, जिससे परीक्षा में अपने स्थान को सुनिश्चित करें, ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल लाएं, क्योंकि जैसे सूत्रों से खबर मिल रही आने वाले वर्ष में पेट से करीबन 14 से 15 वैकेंसी आने वाली है। तो हमारे सभी छात्रों के लिए हमारी टीम का यही प्रयास है कि हम इतने अच्छे प्रश्न आप तक लाएं कि उन प्रश्नों के द्वारा आप उसमें एक उच्चतम परसेंटाइल को प्राप्त करें। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, पेट की परीक्षा में आधुनिक भारत का जो सफर है, आज सिलेबस है, उस आधुनिक भारत के सिलेबस में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है। अब हम भारत छोड़ो आंदोलन की थोड़ी सी एक इसका बेसिक जान लेते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे सबसे पहला बात आपसे जो इस आंदोलन से प्रश्न बनेगा कि ये आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ, पहली चीज। दूसरी बात, शुरू होने से प्रस्ताव कहाँ पे रखा गया, कार्य समिति की बैठक कहाँ पे हुई थी, इस तरह के जो भी प्रश्न इससे बनते हैं उन सभी प्रश्नों को लेके आज मैं आपके सामने हूँ। और इस वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहला पॉइंट जो आपको इस भारत छोड़ो आंदोलन से देखना है कि मुंबई के वर्धा में, महाराष्ट्र, भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र के मुंबई में एक वर्धा नाम की जगह है, वर्धा में ये कार्य समिति की बैठक हुई। किसके कार्य समिति की बैठक हुई? कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस के कार्य समिति के बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया जो कि पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ। अब आप सोचेंगे मैंने तीनों चीजें क्यों लिखी हैं, डायरेक्ट मुंबई क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि ऑप्शन में आपको कभी मुंबई मिलेगा, कभी वर्धा मिलेगा, कभी महाराष्ट्र लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए आप याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा मुंबई में पास हुआ था। कब? डेट भी याद रखेंगे, 14 जुलाई 1942 को कार्य समिति के बैठे में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। ठीक, ये पॉइंट आप अपने नोटबुक में साथ साथ में लिखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको परीक्षा के इतर कुछ भी और बता नहीं रहा हूं। जो परीक्षा में जहां से प्रश्न बनेंगे केवल उन्हीं चीजों को लेके ये बूस्टर आपके सामने है। और यकीन मानिए, इस बूस्टर की श्रृंखला के साथ आप बने रहेंगे तो पेट की परीक्षा में आपके लिए उच्चतम परसेंटाइल इंतजार कर रहा है। करना क्या है आपको, बस इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। अब दूसरी चीज देखेंगे कि जो कार्य समिति की बैठक हुई थी, वहां से एक थोड़ा सा अगर डीप में आयोग जाएगा तो प्रश्न पूछेगा कि कार्य समिति की बैठक में अध्यक्षता किसने की थी। क्या पूछेगा? अध्यक्षता किसने की थी? क्योंकि कांग्रेस की एक परिपाटी थी उस समय के कांग्रेस की कि हर एक प्रस्ताव को पूरे लोकतांत्रिक ढंग से पास करते थे, उसमें मत का प्रयोग किया जाता था और उसके अध्यक्ष होते थे। तो मुंबई में जो ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद। आगे चल के शिक्षा मंत्री भी थे भारत के, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद था, कुछ स्टूडेंट फिर बाद में कहते सर उनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद था, तो मौलाना उनका नाम नहीं था, ठीक, उनका नाम अबुल कलाम आजाद था। अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 14 जुलाई 1942 को क्या किया गया? पास किया गया। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखें कि अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद थे। कब पास हुआ था? 14 जुलाई 1942 को पास हुआ था। कहां पे पास हुआ था? महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पे पास हुआ था। अब देखिए, अब एक चीज आपको और मिलेगी कि अगस्त आंदोलन आप काफी सुनने में आएगा कि अगस्त आंदोलन क्या होता है। तो जब भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास हुआ तो फिर कांग्रेस की कार्य समिति में यह हुआ कि इस आंदोलन को, यानी कि इस प्रस्ताव को किस तरह से कार्य करेगा, इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा, उस सारी चीजों को लेके, इसके क्रियान्वयन इत्यादि संबंधित बातों को लेके कांग्रेस की एक और बैठक होती है। ठीक, कहां पे होती है? ग्वालियर टैंक मैदान। देखिए, लिखने पे मत जाएगा, मात्रात्मक त्रुटि हो सकती है, इसलिए भाषा पे ध्यान रखिएगा। कहां पे हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान, ये भी मुंबई में ही है। ग्वालियर टैंक मैदान पे इनकी एक बैठक हुई। कब हुई थी ये बैठक? दूसरी बात, 7 अगस्त को हुई थी, वही सन था, 1942 में ही हुई थी। 7 अगस्त 1942 कांग्रेस कार्य समिति की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वो जो प्रस्ताव जुलाई वाला था उसकी पुष्टि कर दी गई। क्या कर दी गई? पुष्टि कर दी गई। ठीक, तीसरी चीज,
अगस्त में इस प्रस्ताव की पुष्टि होने के नाते इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां से इस दिन जब ये बैठक हुई तो इस बैठक के बाद पूरा दिन ये बैठक हुई, अगले दिन 8 अगस्त को, ठीक अभी 1942 के 7 अगस्त को इसकी पुष्टि कर दी गई और 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ठीक, क्या कर लिया गया? ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, डेट पूछा जाएगा तो हमेशा आप इसी डेट के साथ जाएंगे, 8 अगस्त 1942 को। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को पास करके कांग्रेस कार्य समिति ने इसको लागू कर दिया। ठीक, अब यहां से एक चीज और देखेंगे, एक अलग चीज ये देखेंगे कि अगर मान ली भारत छोड़ो आंदोलन से आपको कुछ और फैक्ट जो पेट में तो नहीं लेकिन हाँ उसके आगे के एग्जाम में संभवतः आपको मिलने की प्रॉपर उम्मीद होगी, वो ये होगा कि सबसे पहले पूछेगा पेश किसने किया, प्रस्ताव पेश किसने किया। जैसे प्रस्ताव को हमेशा कोई ना कोई कार्य समिति का सदस्य ही प्रस्ताव को पेश करेगा, तो सबसे पहले पूछेगा कि इस प्रस्ताव को पेश किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश किया। ठीक, और फिर पूछेगा समर्थन किसने दिया, क्योंकि मैंने बताया कि कांग्रेस कार्य समिति पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति पे चलती थी, तो इसका पटेल जी, कौन पटेल? पटेल से क्या समझ रहे हैं आप लोग? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको इस प्रस्ताव का समर्थन दिया, जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश किया और 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने पास कर दिया। अब देखिए, अब एक चीज आपको जब हायर एग्जाम्स आप देंगे जैसे यूपी पीसीएस इत्यादि के एग्जामों में या आरओ आरओ जो बहुप्रतीक्षित भर्ती आ रही है उसके लिए पूछ लेता है कि इस प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था। क्या पूछ लेता है? प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था। ठीक, तो इसका उत्तर होगा प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? गांधी जी ने बनाया था, महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का आलेख तैयार किया था, खुद से तैयार किया था। ध्यान रखेंगे, पूछता है कि किस प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने स्वयं तैयार किया था, तो इस प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने स्वयं तैयार किया था, लेकिन इसमें दो लोग सहायक की भी भूमिका में थे। गांधी जी सुप्रीम लीडर के रूप में थे उस समय, तो दो लोग उनके सहायता के लिए भी थे। कौन कौन था? पहले जवाहरलाल नेहरू इनके पहले सहायकों में थे और दूसरा मौलाना आजाद, वही जो मैंने आपको इसके पहले बताया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो दो लोगों के सहयोग से गांधी जी ने किस प्रस्ताव का आलेख तैयार किया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया था और इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पेश किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन से ये प्रस्ताव पास हुआ। अब ये तो प्रस्ताव पास होने के समर्थन की चर्चा हो गई। अब इसके बाद ये देखेंगे कि जब कोई भी प्रस्ताव बनेगा तो जाहिर सी बात है अगर समर्थन होगा तो विरोध भी होगा किसी भी चीज का। जैसे अगर आपके गांव में आपके कुछ हितैषी होंगे तो कुछ आपकी बुराई करने वाले भी होंगे, दोनों तरह के लोग हर जगह रहते हैं। उसी तरह से कांग्रेस ने प्रत्येक प्रस्ताव जो भी पास किया था शायद ही कोई ऐसा प्रस्ताव होता जिसमें कोई विरोध ना करता हो या कोई विरोधी ना हो, तो विरोधी और समर्थन के बीच में के बहुमत के आधार पर कांग्रेस के प्रस्ताव अक्सर करके उस समय पास होते थे। तो कई बार आपसे उलझाने के लिए पूछ लेता निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में था या भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था, समर्थन किसने नहीं किया था। तो कुछ पार्टियां थी उस समय की छोटी छोटी जिन्होंने इसका विरोध किया था। पहली पार्टी हिंदू महासभा, ये पहली पार्टी थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। दूसरी पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये पार्टी कौन बनाया, कब बनाया, इसके बनाने का क्या प्रयोजन रहा या ये स्वतंत्रता संग्राम में कहां तक सहायक थे, ठीक इस चीज को हम लेके किसी और बूस्टर के माध्यम से आपके सामने लेके आएंगे। फिर दूसरी पार्टी क्या थी? यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यूपीपी इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए या से लिख ही दे रहा हूं मैं, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। अब आप सोच रहे ना उस समय अंग्रेजी में नाम रखने क्या जरूरत थी, अंग्रेजी में नाम रखने भौकाल बनता था, भौकाल लोग समझते थे बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए अंग्रेजी में नाम रख देते थे। कम्युनिस्ट पार्टी आज इसका कहीं अस्तित्व नहीं बचा है। अब यूनिस्ट पार्टी आप पंजाब खोजते रह जाइए कोई नहीं बताएगा ये पार्टी कहाँ एग्जिस्ट करती है। अब सब समाप्त हो गए हैं। और इसमें किसका विरोध था? एक जो विरोध करने के लिए ही बने थे, इन्होंने अवतार ही लिया था विरोध करने के लिए, अवतार शब्द खरीदने के लिए गलत है लेकिन ये आए ही थे, इन्होंने पार्टी ही बनाई थी, खाली विरोध है इनका काम है था, मुस्लिम पार्टी। इसके लिए तो पक्का एक बूस्टर लेके आऊंगा, कसम से दिली ख्वाहिश है कि इसमें आपको बहुत डीप तक लेके जाना, मुस्लिम पार्टी के लिए जरूर एक बूस्टर लेके आऊंगा आपके बीच में, इसके लिए पक्का एक बूस्टर आएगा।
तो ये ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। क्या किया था ये सब क्या थे? भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी थे। इनका ये मानना था कि इस आंदोलन को चालू करने से या लाने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये मानते थे कि इसके लिए अभी समय नहीं आया है। बाकी इन लोगों का मान इनके हिसाब से अलग कुछ थॉट था। इन दोनों लोगों का मानना था कि ये जो है कांग्रेस गलत नीति पे जा रही है और इसको इसकी आवश्यकता अभी बिल्कुल है ही नहीं। अब देखते हैं, अब ये विरोधी हो गया, समर्थन हो गया, अब प्रभाव, अब क्या, अब प्रभाव कि आखिर इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। अब आप सीधे सीधे जानते हैं कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया कोई भी आंदोलन हो, प्रभाव, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को पूरी तरह से पास हो जाता है, 9 अगस्त को धरती पर उतर जाता है। तो कहीं कहीं कंफ्यूजन में आपको 8-9 अगस्त ऐसे भी डेट मिल जाती है। किसी किसी ऑप्शन में आपको डेट इस प्रकार से भी दे देते हैं कि 8-9 अगस्त इस तरह से भी डेट मिल जाती, तो ये भी सही ऑप्शन होगा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, सर 8 अगस्त एक ऑप्शन में दिया हो, एक ऑप्शन में 9 अगस्त दिया हो, तो इसमें क्या मानेंगे? तो यहाँ आप 9 अगस्त पे भी टिक मार देंगे तो भी क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि 2 बार 9 अगस्त को भी माना है और 1 बार 8 अगस्त को भी माना है। वैसे ही ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं, ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो घटना चक्र के हिसाब से 9 अगस्त को मानेंगे, आयोग 8 अगस्त को मानता है, एनसीईआरटी में 8 अगस्त 9 अगस्त करके पूरा डेट दिया हुआ है, इसी में 8-9 अगस्त ऐसे करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आंदोलन प्रारंभ होता है, इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन मतलब आदमी का ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब होता है कि एक नया मुहिम, एक मुहिम लॉन्च की, जिसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा उन लोगों ने ऑपरेशन जीरो आवर। क्या नाम रखा? ऑपरेशन जीरो आवर, इसका नाम रखा इन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक, अब ऑपरेशन जीरो आवर से इन्होंने क्या किया, जितने भी शीर्ष के नेता थे, शीर्ष के नेता में कौन कौन, जैसे गांधी जी नेहरू, गांधी जी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इस तरह के जो भी नेता थे, इन सारे नेता को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इन सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों क्यों? अब सोचेंगे आप कि ऐसा क्या हुआ कि ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसके लिए अंग्रेजों को एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। अंग्रेज इसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे थे? इस ऑपरेशन को मिलने वाले या इस आंदोलन को मिलने वाले जन समर्थन की भावना से अंग्रेजों में एक प्रकार का भय व्याप्त हो चुका था। और गांधी जी उस समय के भारत के, एक तरह से माने कि गांधी ही भारत थे, भारत ही गांधी था, मतलब गांधी जी की इच्छा से ही चीजें उस समय संभव हो रही थी। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन से अंग्रेजों में एक प्रकार का भय व्याप्त हो गया था, जिससे बचने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर लगाया। और ऑपरेशन जीरो आवर की तरह कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। अब जब जेलों का क्रम आता है तो यहां से भी प्रश्न बनता है सीधा, जैसे आपसे पहला प्रश्न ये पूछेगा ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है, तो यहाँ क्या बताएंगे, ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। कब आया था ये आंदोलन? अगस्त 1942 में आया था। कहाँ प्रस्ताव पास किया गया था? बंबई से प्रस्ताव पास किया गया था। प्रस्ताव का आलेख कौन बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। प्रस्ताव को पेश किसने किया था? नेहरू जी ने पेश किया था। ठीक, किसके समर्थन से पेश किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन से पेश किया था। अब जैसे ऑपरेशन जीरो आवर की तरह सारे नेता गिरफ्तार हो गए, तो गिरफ्तार होने के बाद उनको कमोबेश जेलों में ही डाला जाएगा। अब ये देख लेते हैं, कभी कभी आपको मिलान में या ऐसे सिंपल में भी प्रश्न पूछ लेता है किसको किस जेल में बंद किया गया। तो एक छोटा सा जो महत्वपूर्ण है उसको देख लीजिए, जैसे गांधी जी, ठीक, गांधी जी, अब गांधी जी को कहां बंद किया गया? तो गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू को भी गिरफ्तार किया गया, सरोजनी नायडू। अब इन लोगों को कहां रखा गया? तो आगा खां पैलेस में। कहां? आगा खां पैलेस, ये कहां था? ये मुंबई में था, आगा खां पैलेस में इनको गिरफ्तार करके रखा गया। ठीक, पूरे महाराष्ट्र में, ये अभी करंट लोकेशन इसके पूरे महाराष्ट्र में है। अब आप सोचेंगे, सर जी आपने तो कहा था अलग अलग बंद किया गया, फिर दोनों को एक जेल में कैसे बंद कर दिया गया? बाबू ये महल था, महल बड़ा सा महल था। ठीक, तो वहां किसी एक हिस्से में गांधी जी बंद थे, एक हिस्से में सरोजिनी नायडू बंद थी, मतलब आपसी आचार विचार पे अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी कि आप अपने थॉट्स को बाहर नहीं भेज पाएंगे, समझ रहे हैं? तो कंफ्यूजन मत होइएगा कि एक का जगह बंद नहीं किए थे, दो जगह बंद किए थे, कहां एक कमरा में नहीं किए, इस सब पे कंफ्यूजन नहीं होना, व्हाट्सएप ज्ञान लेके नहीं चलना है, जो फैक्ट फैक्ट है उसको देखते हुए चलते हैं। ठीक,
अब एक चीज, अच्छा ये मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत, कोई क्या पूछ ले, आयोग पूछेगा, दूसरा थोड़ा कोई आएगा पूछने कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति या कमांडर इन चीफ, ये सवाल आरओ यारओ में कई बार पूछा हुआ, जो लोग टीचिंग का एग्जाम देते होंगे उनके लिए तो बेहद जरूरी है, गन्ना पर्यवेक्षक वाला एग्जाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, उसमें भी इसको पूछा है क्या, प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति। अच्छा एक क्लास ले रहे थे तो उसमें एक बच्चा का सर अंग्रेज था, मैंने प्रधान सेनापति कौन था, तो सर अंग्रेज था, जाहिर सी बात अंग्रेज का शासन था तो निरहुआ थोड़े प्रधान सेनापति बनाएंगे सर, हाँ तो प्रधान सेनापति कौन था, तो प्रधान सेनापति उस समय लॉर्ड वेवल, नाम याद रखेंगे क्या नाम था, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल प्रधान सेनापति। जब भी पूछेगा आप लोग वायसराय गवर्नर जनरल के रूप में जानते होंगे, प्रधान सेनापति के तौर पे इसका नाम शायद ही आप लोगों ने अभी पढ़ा हो, और अगर पढ़ा भी होगा तो विस्मृत तो पक्का हो गया होगा, तो लॉर्ड वेवल इसका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछे कि 1942 में भारत का प्रधान सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ कौन था, तो कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवल था, ठीक, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन याद आ गया साथ साथ में, तो हम सोचे इसको भी कंप्लीट करते हुए चला जाए। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रसिद्ध नेताओं को कहाँ पे बंदी बना के रखा गया, तो उसके साथ अब देखिए राजेंद्र प्रसाद बिहार की जेल में रखा गया था इनको, राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, बिहार की जेल में रखा गया था, पटना साहिब के पास इनको जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद जब इनके सारे नेता जैसे कांग्रेस के सभी चोटे के नेता जेलों में बंद हो गए, अब ये आंदोलन अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये आंदोलन दब जाएगा, मतलब चल नहीं पाएगा, लेकिन उसी समय कांग्रेस के एक छोटे से ग्रुप ने गुप्त रेडियो प्रसारित करना प्रारंभ कर दिया। क्या प्रसारित करना प्रारंभ कर दिया, गुप्त रेडियो, गुप्त रेडियो। अब यहां से आपको कम से कम दर्जन भर प्रश्न मिलेंगे और यहां से अक्सर प्रश्न बनते भी रहते हैं, गुप्त रेडियो का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अब पहला सवाल तो यह उठता है कि यह प्रकाशन कहां से प्रारंभ हुआ था, ठीक, तो यह प्रकाशन कहां से प्रारंभ हुआ था, तो मुंबई से हुआ था, ठीक। क्या था गुप्त रेडियो, मतलब एक सेट फ्रीक्वेंसी पे जो केवल उनके ग्रुप के लोगों को पता हो, उस फ्रीक्वेंसी पर रेडियो के द्वारा अपनी बात को सुदूर यानी कि दूर स्थित अपने सहयोगियों या कार्यकर्ताओं तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए गुप्त रेडियो शुरू किया। कहां शुरू किया था, मुंबई। अब सोचिए फ्रीक्वेंसी इसकी इतनी तेज थी कि मुंबई से मद्रास तक इसको सुना जा सकता था, मुंबई से कहां तक सुना जा सकता था, मुंबई से मद्रास तक इसको सुना जा सकता था। अब था कि रेडियो होगा तो कोई बोलेगा भी, तो बोलता कौन था इस पे नियमित रूप से, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया इस पे नियमित रूप से अपनी बात को रखते थे, कहां पे, कांग्रेस के गुप्त रेडियो पे। अब यहां से एक नाम और आपको मिलेगा, अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली इसकी एक महत्वपूर्ण सदस्य थी जो इस पूरे रेडियो के प्रबंधन को देखती थी। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे कि गुप्त रेडियो का प्रकाशन कहां से होता था या इसको कहां से बोला जाता था गुप्त रेडियो को, तो मुंबई से बोला जाता था। कहां तक सुना जा सकता था, मद्रास तक सुना जा सकता था। बोलता कौन था, राम मनोहर लोहिया बोलते थे, ठीक। इस पूरे गुप्त रेडियो का प्रबंधन किसके हाथ में था, अरुणा आसफ अली के हाथ में था, और इस गुप्त रेडियो के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस के विचारों को आम जनमानस के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं तक बखूबी पहुंचाया गया और इस आंदोलन में रक्त की भांति कार्य किया। कौन, ये गुप्त रेडियो, मतलब आप कह सकते हैं कि इस आंदोलन को पूरी तरह से पहुंचाने में कौन था, गुप्त रेडियो का बहुत बड़ा हाथ था। अब देखते हैं कि एक चीज आपको और पूछेगा, एक सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सा पत्रकार किस समय किस नेता के साथ था, जो उसमें याद रखेंगे कि अमेरिकी पत्रकार, कहाँ का पत्रकार था भैया, यूएसए का पत्रकार था। कौन ना का नाम रहा पत्रकार का, तो पत्रकार का नाम था लुई फिशर। क्या नाम था, लुई, देखिए नमवा गलत लिखा गया, अंग्रेज है ना इसीलिए गलत लिखाया है, हमारे लिए सब भारत के बाहर वाले अंग्रेज हैं, लुई फिशर। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक, किसके साथ थे, किसके साथ थे, ये महात्मा गांधी के साथ थे। महात्मा गांधी के साथ गुजारे गए इस समय के दौरान, ठीक, जब ये महात्मा गांधी के साथ ये समय गुजारे उसी समय इन्होंने इनको इनकी जीवनी लिखी, इसीलिए क्या कहा जाता है, गांधी के जीवनीकार। क्या, गांधी के जीवनीकार, मतलब गांधी की जीवनी किसने लिखी थी, तो लुई फिशर ने लिखी थी, हमेशा ध्यान देंगे, गांधी की जीवनी लुई फिशर ने लिखी थी। हिंदी में लिख दिया ना, मान ली कुछ लोग ना समझ में आए, कहें सर जी अंग्रेजी में टेढ़े पता नहीं क्या लिख दिए थे, लुई फिशर। अच्छा, लुई फिशर ने इस आंदोलन के दौरान एक टिप्पणी की थी जो बड़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लेता है,
तो उन्होंने लिखा था, उन्होंने टिप्पणी की थी कि इस आंदोलन के दौरान विश्व में इससे ज्यादा हिंसक आंदोलन दबाने की कार्रवाई कहीं नहीं देखी गई है। मतलब अंग्रेजों ने क्रूरता की हद पार कर दी थी, अंग्रेजों ने क्या कर दी, क्रूरता की हद पार कर दी थी इस आंदोलन को दबाने में। जगह जगह पे लाठी चार्ज, बालकों वृद्धों महिलाओं का शोषण, बेमतलब गोली चलाना, इस तरह से इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी एड़ी चोटी लगा दी थी। लेकिन भारतीय है ना, पीछे थोड़े हटते हैं, वी इंडियंस वी आर बाउंस बैक, और इन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाया। अब यहां जब टिप्पणी की बात आ रही है तो एक चीज और पूछ लेता कि किसने गांधी को पैगंबर और ईश्वर दोनों का, दोनों से तुलना की। क्या कहा, किसने गांधी को अवतार, शब्द बता रहा हूं आपको, पैगंबर, अवतार, पैगंबर और ईश्वर की प्रेरणा से बोलने वाला बताया, बोलने वाला बताया। मतलब किसने कहा कि गांधी जी पैगंबर और ईश्वर के प्रेरणा से बोल रहे थे, ये किसने बताया? तो इनका नाम था पट्टाभि सीतारमैया, पट्टाभि सीतारमैया। इन्हीं को हरा के सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता का चुनाव जीता था, कांग्रेस अध्यक्ष का, जिसके बाद गांधी जी इस बात को ईगो पे ले लिए और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की कार्य समिति से इस्तीफा देके फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। इसको भी याद रखेंगे आप लोग कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था, जब उन्होंने कांग्रेस की कार्य समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा क्यों दिया था, क्योंकि अपने कार्य समिति के गठन को लेकर उनके और गांधी जी के मध्य विवाद हो गया था। उसी विवाद की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो इसको आप याद रखेंगे जरूर, ये एक सुभाष चंद्र बोस से टॉपिक था, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरी चीज कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसमें कई भारत के कई अलग अलग प्रांतों में, क्या कई अलग अलग प्रांतों में स्वतंत्र या स्वशासी सरकारों का गठन हुआ। स्वतंत्र या स्वशासी सरकार से क्या समझते हैं आप, कि स्वतंत्र या स्वशासी सरकार का मतलब है ऐसी सरकार जो पूर्णतः इंडिपेंडेंट हो, मतलब पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित की जा रही हो, ऐसी सरकारों का गठन किया गया। स्वशासी सरकार उसे क्या कहेंगे, स्वशासी सरकार कहेंगे। तो किस किस जगहों पे किसके किसके नेतृत्व में सरकार बनी, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली चीज याद देखेंगे कि सब यूपी के एग्जाम में पेट क्वेश्चन के रूप में मान लीजिए कि हमेशा आने वाला कि बलिया, बलिया में स्वशासी सरकार बनाई गई, इसका नेतृत्व किसने किया, चैतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में स्वशासी सरकार बनी। ठीक, पहली बात कब बनी थी, वही डेट याद रखेंगे, अगस्त 1942 में चैतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में सरकार बनी। दूसरा एक चीज आपको कहीं कहीं मिलेगा, जातीय सरकार, वीडियो की परीक्षा में पूछा था जातीय सरकार, जातीय सरकार का गठन कहां पे हुआ था, जातीय सरकार, ये भी स्वशासी सरकार का ही एक रूप है। तो जातीय सरकार का कहां, बंगाल में हुआ था, कहां हुआ था, बंगाल में। ठीक, उसके बाद आपको एक चीज और मिलेगा कि जातीय सरकार पूछता है कि किसने तूफान पीड़ितों की सहायता की, तो तूफान पीड़ितों की सहायता किसने की थी, बंगाल की जो सरकार ने, जो सरकार थी जातीय सरकार, इसने तूफान पीड़ितों, किसकी, तूफान पीड़ितों की सहायता की थी। दोस्तों पेट के अलावा अन्य पेट को लेके और बाकी सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से जितने प्रश्न बनेंगे सारे आपके जुबान पे रहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए कह रहा हूँ कि बूस्टर प्रत्येक एग्जाम के लिए जरूरी है, आप पेट दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, या आपका सारा कुछ तैयार है, तो रिवीजन के पर्पज से भी इससे बेस्ट मटेरियल आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं मिलेगा, जहां सब कुछ क्रम से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें ही दी जाएंगी। फिर महाराष्ट्र में सतारा में, कहा, महाराष्ट्र के सतारा में, सतारा महाराष्ट्र में भी स्वशासी सरकार का गठन हुआ। ठीक, अब यहां से एक चीज और मिलता है कि जो महाराष्ट्र वाली सरकार थी ये सबसे ज्यादा समय तक, मतलब सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली सरकार थी। ठीक, सबसे ज्यादा टाइम तक ये सरकार चली थी, सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली सरकार कौन सी थी, महाराष्ट्र की सरकार थी। कहाँ पे बनी थी, सतारा में बनी थी। ठीक, अच्छा, अब इससे संबंधित एक आध चीज और देख लेते, इसके प्रमुख नेता, ठीक, प्रमुख नेता अगर पूछे इस सतारा के सरकार के प्रमुख नेता कौन थे, तो वाई वी चौहान, नाम याद रखिएगा, पूछ भी लेता है, वाई वी चौहान।
इनका जैसे चौहान का ही मराठा चौहान जो ऐसे ये जो हमारे उत्तर भारत में बोलचाल की भाषा है चौहान, तो चौहान का ही मराठी स्वरूप चौहाड़ होता है। तो वाईवी चौहान महाराष्ट्र की सतारा सरकार के प्रमुख नेता थे। सतारा सरकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली सरकार थी। जातीय सरकार कहाँ बनी थी? जातीय सरकार बंगाल में बनी थी। बलिया में जो सरकार बनी थी उसका नेतृत्व किसने किया था? चैत्यू पांडे ने किया था। अगस्त 1942 में बनी थी। अच्छा, तूफान अकाल पीड़ितों की मदद किसने की थी? तो जातीय सरकार बंगाल ने तूफान और अकाल पीड़ितों की मदद की थी। सतारा महाराष्ट्र में बनने वाली सरकार सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली सरकार थी। अब भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान में या अन्य जगहों पे भी अंग्रेजों के विरोध में कुछ स्वशासी सरकारों का गठन हुआ। भारत का तात्पर्य करेंट भारत से है, जो तत्कालीन भारत का नक्शा है उसका। भारत से बाहर भी इस समय काफी सरकारों का गठन हुआ था, उसको भी देखेंगे। ठीक, अब आप एक चीज देखेंगे, जिस समय ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको गिरफ्तार करके रखा गया था, उसके बाद गांधी जी को बीमारी की वजह से पूछता है गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब रिहा किया गया और क्यों रिहा किया गया। तो रिहा क्यों किया गया, उसका मेन कारण क्या है कि बीमारी की वजह से। किसकी वजह से? बीमारी या तबीयत खराब हो जाने की वजह से इनको रिलीज कर दिया गया। आगा खां पैलेस में बंद थे, याद है ना, बताए थे आगा खां पैलेस में बंद थे, तो इनको कब रिलीज कर दिया गया? 6 मई सन 1944 को इनको छोड़ दिया गया, यानी कि रिहा कर दिया गया। ठीक है, अब इनके रिहाई पर एक टिप्पणी थी कि हम उस कमबख्त बुड्ढे से कैसे हार सकते हैं जबकि हम हर जगह जीत रहे हैं। टिप्पणी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिएगा, कि जब हम हर जगह जीत रहे हो तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमारा शत्रु रहा हो। ये किसकी टिप्पणी थी? ये चर्चिल की टिप्पणी थी। किसकी थी? चर्चिल की टिप्पणी थी। कई बार जैसे वीडियो 2018 का जो एग्जाम था, वीडियो 2018 के एग्जाम में ऐसे टिप्पणीदार बड़े बड़े सवाल पूछ के आयोग ने अच्छे अच्छे धुरंधर अभ्यर्थियों के पसीने छुड़ा दिए थे। इसलिए इन टिप्पणी वाले सवालों को आप जरूर ध्यान से सुनेंगे कि किसने कब कौन सी टिप्पणी की थी। तो कमबख्त बुड्ढे वाली टिप्पणी किसकी थी? पूरी टिप्पणी ना याद रखिए चलेगा, इसे कीवर्ड याद कर ली। कमबख्त बुड्ढे वाली टिप्पणी कौन किया था? तो चर्चिल किए थे। कब किए थे? जब गांधी जी रिहा हो गए थे। समझ रहे हैं? अच्छा, अब यहां इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारा दिया गया था, करो या मरो, करो या मरो। अब यही मान लीजिए हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन टू जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन थ्री है यूसुफ अली मेहर। क्या नाम है इनका? यूसुफ अली मेहर। जब तक हम लिख रहे हैं हमको पता है कई ऐसे धुरंधर और तेज अभ्यर्थियों ने खटाखट महात्मा गांधी पे टिक मार दिया होगा। ये वही लोग हैं जो गलती करके आते हैं और फिर कहते हैं पैटर्नवा बदल गया था। महात्मा गांधी ने इस नारे का प्रयोग किया था। क्या किया था? प्रयोग किया था। ये नारा किसने दिया था? यूसुफ अली मेहर ने दिया था। ये नारा किसने दिया था? यूसुफ अली मेहर ने दिया था। कब दिया था? ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर जब मिलाने के लिए आता तो करो या मरो के सामने महात्मा गांधी लिखा होता है, तो वो प्रयोग की दृष्टि से होता है। प्रयोग की दृष्टि से, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब इसका मिलाने का आएगा तो शहीद भगत सिंह जी का नाम आता है। ठीक, शहीद भगत सिंह का नाम आता है, लेकिन इन्होंने इस नारे को लोकप्रिय बनाया, लोकप्रिय बनाया। समझेंगे, देने वाले का नाम नहीं है। उसी तरह से करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन देखेंगे, महात्मा गांधी अगर अकेले हैं तो नो डाउट यही सही होगा। अगर यूसुफ अली मेहर का नाम है तो यूसुफ अली मेहर पे टिक मारेंगे आप लोग। अभी तक भिन्न भिन्न परीक्षाओं में जो भी सवाल भारत छोड़ो आंदोलन से बने हैं, सारे सवाल या जो संभवतः आगे बन सकते हैं, ऐसे भी सवाल मैंने आपके बीच में रखे हैं जो अभी तक किसी भी परीक्षा में पूछा नहीं है, तो ऐसे सारे सवालों का संकलन आपके सामने रखा गया है अभी तक। अब इसके आगे इसी वीडियो में हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या है। अगला टॉपिक है हमारा आजाद हिंद फौज। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? आजाद हिंद फौज। अब
सबसे पहली चीज यहाँ सबसे आसान भी है कि किस गठन किसने किया था, तो बोस ने किया था। बोस का तात्पर्य सुभाष चंद्र बोस से होगा, बार बार इस चीज को बता रहा हूं। बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस, जब भी बोस लिखूंगा तो उससे यही समझिएगा सुभाष चंद्र बोस की ही बात कर रहा हूं। अगर किसी और बोस की बात करूंगा तो उसको मैं जरूर से आपके सामने रखूंगा। अब जब सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र आया तो एक चीज और देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था। तो कब इनका जन्म हुआ था? 23 जनवरी। अभी पूछूंगा इसे एक सवाल, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 23 जनवरी कब? 1897। 23 जनवरी 1897 को क्या हुआ था? इनका इनका जन्म हुआ था। अच्छा, कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में हुआ है था। अच्छा, कटक कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। कटक कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि, और जो सवाल है वो ये है कि इनके जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, अगर पूछे तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पे हुआ था? कटक में हुआ था। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक, एक एक साथ कई चीजें आपके बीच में रख रहा हूं, इसलिए आप बिना नोट्स बनाए पढ़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि पढ़ते समय आपको लगेगा सब याद हो गया है। और जैसे ही वीडियो बंद करेंगे, रिवाइज करने के लिए आप लोग देखेंगे नहीं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। भिन्न भिन्न वीडियो और भी तो है यूट्यूब पे, काली काली दो अखिया वाला, नीली नीली, अच्छा नीली नीली दो अखिया वाला भी तो वीडियो है, उसको भी देखना है। रिविजन करेंगे नहीं, इसलिए नोट्स बनाए बिना मत पढ़िएगा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये देखिए कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म के बाद के आजाद हिंद फौज से रिलेटेड अन्य फैक्ट पे देखते हैं। अब यहाँ से एक चीज आपको पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस को, जैसे अभी लेखपाल की परीक्षा पूछेगा, पूछा था देश नायक, क्या पूछा था? देश नायक, कि देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। किसको दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। किसने दी थी ये उपाधि, किसने दी थी? इसमें बहुत लोग महात्मा गांधी मार के आए थे, एग्जाम सेंटर के बाहर मिले थे तो उनका 100 पे 100 बन रहा था, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कब दी थी, मतलब कब दी थी, क्यों दी थी, कोई कारण होगा ना देने का? कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं, तब कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को किसकी उपाधि दी? देश नायक की उपाधि दी थी। ये कब, इसलिए बता देता हूं कि आपके दिमाग में एक पूरा सीरीज रहे कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी। चूंकि ये यूपी ट्रिपल एससी का रिपीटेड सवाल है, इसलिए आने वाली परीक्षा में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको थोड़ा सा गहराई के साथ आपके बीच में रखा हूं कि देश नायक उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसको दी थी? सुभाष चंद्र बोस को दी थी। अब एक चीज आपसे और पूछ लेता है कभी कभी, कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, यानी या फॉरवर्ड ब्लॉक किससे संबंधित है? जैसे अभी आपको पिछली स्लाइड के दौरान मैं बताया हूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 3 मई 1939 को। कब? 3 मई 1939 को, कांग्रेस के अध्यक्षता पद से इस्तीफा देने के बाद। ठीक, अब आजाद हिंद फौज से पहले तक के सभी चीजों को आपके बीच में रख चुका हूं, अब आजाद हिंद फौज देखते हैं। सबसे पहले देखें कि आजाद हिंद फौज, ठीक, कि आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः किसने की थी? अगर आपसे पूछे कि मूलतः किसने की थी, तो मूलतः इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कौन किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी इसकी स्थापना। ठीक, कैप्टन मोहन सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, अब इनका गठन होने के बाद 1942 में, कब? 1942 में कैप्टन मोहन सिंह इसके क्या बनते हैं? प्रथम सेनापति बनते हैं। किसके?
आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन बना, वो कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बनते हैं। इसके बाद इसके आगे 1943 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार यानी कि आजाद हिंद सरकार का गठन किया। किसका गठन किया? आजाद हिंद सरकार गठन किया और आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को किया। कब किया? 4 जुलाई 1943 को इसका पुनर्गठन किया गया। अब आप देखेंगे कि आपसे दोनों सवाल कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि आजाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने की, मूलतः स्थापना किसने की थी। अब कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस के बीच में अध्यक्षता पद को इस्तीफा देने के बाद जो एक समान दूरी आ गई थी, ठीक उस समान दूरी एक दूरी थी जो सुभाष चंद्र बोस अपने नियम अपने रणनीति के हिसाब से देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्रयासों में लगे हुए थे। और जब इसका पुनर्गठन आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को किया गया तो इसका नेतृत्व कैप्टन मोहन सिंह के बाद किसके हाथ में आ गया? सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ गया। अब आजाद हिंद फौज भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अपने युद्ध का आगाज कर चुकी थी। भारतीय भूमि के बाहर रह के भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वाले इस भारत माँ के अमर सपूत के काफी आसान है आजाद भारत के नागरिकों पर। अब यहां से एक चीज आपको प्रश्न के रूप में और मिलता कि आजाद हिंद फौज बचाओ समिति, कौन सी समिति? आजाद हिंद फौज बचाओ समिति। इसका गठन कब हुआ था, क्यों हुआ था, यहां से आपको सवाल मिलते हैं या इसमें कौन कौन शामिल था। आजाद हिंद फौज के 3 सिपाहियों को गिरफ्तार करके अंग्रेज सरकार उनको मृत्युदंड का फैसला सुना चुकी थी। अब उनको उन सिपाहियों को मृत्युदंड से बचाने के लिए और एक उचित न्यायपालिका के द्वारा न्याय दिलाने के लिए या उनको जेल से छुटाने के लिए भारत के कुछ बड़े ऊंचे दर्जे के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वकील इन सब की एक टीम बनी। ठीक, क्या बनी? टीम बनी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले मान लीजिए यही पूछे आजाद हिंद फौज बचाओ समिति की अध्यक्षता किसने की थी तो इनका नाम था भूला राम देसाई, भूला राम जी ने ऐसा काम कर दिया कि देश इनको कभी भूल नहीं सकता है। भूला राम देसाई के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज समिति बनी। इसमें सदस्य कौन कौन थे? सदस्य काफी गजब के थे इसमें। अरुणा आसिफ अली, वही रेडियो वाली अरुणा आसफ अली, कैलाश कटाजू। नाम इसलिए याद रखिएगा कि ये पूछेगा, यही नमुआ देके पूछेगा निम्न में से कौन नहीं था, वही दिक्कत होगा। कैलाशनाथ कटाजू, तेज बहादुर सफरू और चौथा जवाहरलाल नेहरू जी ने इस समिति के सदस्य बनने के बाद 20 साल बाद अपना वकील का लवादा पहना था। ये पूछता किसने 20 साल बाद वकालत को पुनः शुरू किया था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 20 साल बाद इसको पुनः किया था। क्यों? क्योंकि आजाद हिंद फौज बचाओ समिति में मेंबर बनके उन आजाद हिंद फौज के 3 सिपाहियों को बचाना था। अब यहां तक कि ये आजाद हिंद फौज से UP SSC के पेट परीक्षा के दौरान बनने वाले सभी प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखी जा चुकी है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके परीक्षा में आपके उच्च परसेंटाइल के लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर अपनी सहभागिता दी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।